तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सारे सारे, आई होप गाइस बड़े होंगे। सो मैं हूँ आपका भाई आशुतोष और लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कार के एसी घर पे ही सर्विस कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बात करूँ एसी के आपके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कार के अंदर। सो सबसे पहला आपका कंपोनेंट होता है एसी ब्लोअर, नंबर टू आपका एसी वेंट, नंबर थ्री आपकी एसी कोइल और नंबर फोर आपका कंडेंसर असेंबली। सो गाइस, ये जो आपका एसी कोइल हो गई वो आपका इलेक्ट्रिशियन वाला वर्क हो गया, सो उसको हम टच नहीं करेंगे। अदरवाइज बाकी जो हमारे तीनों चीज़ें हैं हम उनको जो है क्लियर करेंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो भाई, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। सो जो है वीडियो तक एंड तक बने रहिए, जो ज़्यादा टाइम लगाते हुए कर देते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है एसी का ब्लोअर खोलना होगा। सो देखिए, आप यहाँ पर मैं एसी का ब्लोअर खोल रहा हूँ, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है पैंच वगैरह लगे होते हैं, उनको भी आपको खोलना होगा। सो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने इसे खोल लिया है। अब इसके बाद आपको जो ये आप देख सकते हैं एक सॉकेट लगा हुआ है जिससे इसको करंट मिलता है, आपको वो भी निकालना होगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा से नीचे की साइड को खींच के एकदम आपको ये बाहर निकल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं मैंने करते आपको वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। सो अब इस ब्लोअर को बाहर निकाल के आपको जो है इस रबड़ को पुश करके थोड़ा से बाहर साइड को धक्का देना है। इसके बाद ये इससे भी अलग हो जाएगा। फिर आपको जो है इसको अच्छे तरह से इसको साफ़ वगैरह करना होगा, जिसके ब्लेड्स पर डस्ट वगैरह लगी होगी उनको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। और जैसा आप देख सकते हैं, इसके पूरी बॉडी पर रस्टिंग वगैरह हो रखी है, तो आपको पेट्रोल इसके ऊपर स्प्रे करके उसको ब्रश की हेल्प से जो है बिल्कुल क्लियर करना होगा, जैसा आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इसके बाद आती है इसको ल्यूब करने के बाद, आपको जो इसकी शाफ्ट है आपको उसको पूरी अच्छी तरीके से ल्यूब करना होगा। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने मोबिल ऑयल का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। सो अभी ल्यूब वगैरह से अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसकी बात आती है, हम चेक करते इसको देख लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद मैंने इसको ऑन किया। सो ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई नॉइस वगैरह इसके अंदर अब नहीं है, पहले इसके अंदर थोड़ी नॉइस भी थी, वो भी अब इसकी कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये ब्लोअर लगा हुआ था वहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने स्ट्रेनर है। सो ये बिल्कुल चोको रखा है, आप देख सकते हैं इनके अंदर कितना डस्ट वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर बिल्कुल। सो अब आपको इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लेना होगा, और आप देख सकते हैं एक आपको इसके लिए पाइप लेना होगा जो टैप से कनेक्ट है। सो गाइस, इसमें आपको प्रेशर से जो है पानी उस पर स्ट्रेनर पर डालना होगा, जिससे जो भी इसके अंदर कूड़ा वगैरह है सारा पानी के साथ बहकर नीचे आ जाए। सो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको करना है। सो आप देख सकते हैं, जैसे हमारा पाइप है इसमें पानी काफ़ी अच्छा प्रेशर से आ रहा है। सो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, जैसा देख सकते हैं गाइस, आपको ऐसा दो से तीन बार लगभग करना है, दो से तीन बार जो आपका बड़ा बर्तन है पूरा पानी से भर जाए, इसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। सो इससे आपका जो भी स्टैंडर है बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब स्टैंडर के बाद बारी आती है आपके वेंट्स की। सो गाइस, हमने स्टैंडर को साफ़ कर लिया है, अब हम जो है एसी के जो आप देख सकते हैं वेंट्स, इनको भी साफ़ करेंगे। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो रखी है। सो सबसे पहले हमें इसके खोलना होगा इन्हें, इसके बाद हम जो है इसकी डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर निकालेंगे। सो आप इसके लिए आप एक ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पेंट स्टोर वगैरह पर से ले सकते हैं, आपको वहाँ से एक ब्रश मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आप इसको क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं, इसको आपको साइड से खोलना होगा। इसके बाद आपको ये वाली फेयरिंग पूरी उतारनी होगी, जिसके बाद आपके ये दोनों भी बाहर निकल सकते हैं और वो वाला वेंट भी आपको बाहर निकल जाएगा। सो आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा के साइड से इसको बाहर की साइड को खींचना होगा थोड़ा, या आपको एकदम बाहर निकल जाएगा जैसा आप देख सकते हैं। सो इसको आप लोग वाटर की हेल्प से भी शायद साफ़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सामने भी कितनी डस्टिंग हो रखी है। सो कुछ इस तरीके से आपको उसको साफ़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद गाइस, अगर आप इनको जो है पाइप से बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेशर डाल करके साफ़ कर सकते हैं, जैसा मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सो अब बात आती है इसकी कंडेंसर असेंबली की। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं कार का जो आपका बम्पर होता है, बम्पर के ऊपर आपके ग्रिल लगी होती है। सो उसके पीछे एक रेडिएटर के आगे आपकी कंडेंसर असेंबली लगी होती है, जो एयर जिसका काम होता है एयर को सक कर आपको अंदर डिलीवर्ड करना, ठीक है। सो उसमें जब डस्ट कार डस्ट पार्टिकल वगैरह में चलती है तो उसके अंदर डस्ट वगैरह भर जाती है और आपका जो कंडेंसर है वो चोक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आपको ऐसा प्रेशर बनाकर उस पर डालना होता है, जिससे आपके जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो आपके मतलब साफ़ हो जाए। सो जैसा आप देख सकते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा आप ऐसा करोगे तो गाइस आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जैसे देख सकते हैं सामने छोटे छोटे आपके जो गंदगी वगैरह उसके अंदर भरी हुई है। सो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको साफ़ करना है, जितना ज़्यादा आप इसको मतलब अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपके वहाँ पर सामने डस्टिंग वगैरह हो रखी है।
सो आपको इस कंडेंसर असेंबली को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना होगा। गाइस यू कैन सी सारे ब्लोवर वगैरह मैंने अच्छे तरीके से फिट कर दिए हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और वो अपोजिट साइड वाला भी। इसके बाद बचा हमारा काम सिर्फ ये ब्लोवर लगाने का। सो ब्लोवर को भी मैंने इसके जो कवर में फिट कर दिया है, सिंपल है बिल्कुल। आपको जस्ट इसके रबड़ वाले लगाकर इसको अंदर पुश कर देना है, एक अपने आप फिट हो जाएगा उसमें। गाइस जैसा मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने इधर की जो स्ट्रेनर है उसको प्रेशर से साफ किया था, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक बार उसके हालत हम भी देख लेते हैं के साथ साथ। सो आप लोग देख सकते हैं भाई, पहले बहुत ज़्यादा उधर कूड़ा वगैरह था, अब काफ़ी आपको चौक हो, मतलब आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल, आप देख सकते हैं। सो गाइस जस्ट आपको ब्लोअर को उसके अंदर पुश करके फिट कर देना है, उसके बाद आपके जो स्क्रूज वगैरह थे और वो जो बोल्ट वगैरह था आपको उसको टाइट कर देना है। सो आपका ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं आएगा। तो गाइस एज यू कैन सी मैंने ब्लोअर वगैरह अच्छे तरीके से फिट कर दिया है, अब सिर्फ आपको ये प्लग इसके अंदर लगा देना है और उसके बाद एंजॉय। सो आप लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं अगर चाहे तो। सो गाइस एयर के अंदर जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब अब अच्छी आ रही है, इस पहले डस्ट के कारण पहले इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी जो फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी, अब काफ़ी अच्छी। आपको बता रहा हूँ इसी का जो रेस्पॉन्स है भाई बहुत ही अच्छा हो चुका है, आप लोग मेरे चेहरे की खुशी इस टाइम अगर मैं आपको पर दिखा नहीं सकता कि फिलहाल मैं गंदा हो रखा हूँ, पर भाई एसी का रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है भाई, एसी की कूलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है मेरी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये कर सकते हैं अगर आपको, तो भाई अगर आपके पास मतलब इतना पैसा है आप चाहे तो उधर भी जाकर इसकी सर्विस करा सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं, पर भाई बाकी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, मेरा आज का पूरा दिन इसी काम में वेस्ट हो गया, या वेस्ट कह लो या स्पेंड कह लो कुछ भी हो, पर भाई इसी का रिस्पॉन्स सही में बहुत अच्छा कर रहा है। पिछली बार यही काम कराया था मैंने उसको, अच्छे तरीके से देखा था उसने, मेरे से लगभग 2 से 2500 रुपये मुझे कॉस्ट किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं अगली बार ये काम अपने खुद से करके देखूंगा, तो भाई बिल्कुल वही वाला रिस्पॉन्स है। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।